Turn off for the watch, Prezi playing Jay. यू व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आप 3D एनिमेशन में बना सकते हो अपने प्रोफाइल को फ्री फायर के। तो इसमें जो है सबसे पहले आपको क्या करना है गाइस कि अपने जो है प्रोफाइल को जो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना है, और बाद में जो है मैं जैसे अभी कट कर रहा हूँ वैसे ही आपको जो है पिक्सार्ट में जाके जो इसको क्रॉप कर लेना है, और बाद में जो अपनी प्रोफाइल को कुछ इस तरीके से क्रॉप करना है। तो अभी यहाँ पे गाइस जो है मैंने जिस तरह से मैंने यहाँ पे क्रॉप किया है मेरे प्रोफाइल को, इसी तरह से मैंने क्रॉप कर लिया है। बाद में आपको क्या करना है कि इसको जो है सेव कर लेना है। बट उससे पहले जो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो स्लाइड करना है नीचे की तरफ, वो यहाँ पर ड्रॉ वाला ऑप्शन आएगा। तो उस वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो है अपने जो है पेंसिल वाले ऑप्शन पे जाना है, और फिर आपको क्या करना है जो आपका नाम है, मैंने जैसे मेरा नाम है तरुण 10 के लिखा हुआ है फ्री फायर में, तो उसके आजू बाजू के जो भी कलर्स है उसको मैं जो यहाँ पे जो ले लिया है। पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ऐसा हो जाएगा। और फिर आपको बाद में क्या करना है कि जो भी कलर आपको सिलेक्ट होगा उससे जो आपका नाम जो है आपको यहाँ पे इरेज कर देना है, जो भी नाम है आपका वो इरेज कर देना है, जिससे जो आप एनिमेशन ऐड कर सको उसमें। और अभी क्या करना है गाइस कि अभी आपको जो है अपने लाइक्स पे काम करना है। तो अभी आपको लाइक्स के आजू बाजू के भी जो कलर है उसको जो है ऐड कर लेना है, और फिर जो है लाइक्स को भी जो है मिटा देना है यहाँ पे। तो अभी कुछ इस तरीके से दिखेगा आपका प्रोफाइल। तो अभी हमने गाइस जो है हमारा नाम और हमारे लाइक्स को तो यहाँ से हटा दिया है। अभी हमें क्या करना है कि हमारे जो लेवल को जो है यहाँ पे एनिमेशन करने के लिए उसके आसपास का जो है जो भी कलर है उसको ले लेना है, और फिर यहाँ पे इरेज वाले ऑप्शन पे जाने के बाद ड्रॉ कर देना है यहाँ पे। तो जैसा भी मैं कर रहा हूँ वैसे आपको कलर ऐड कर देना है। और अभी अभी आप देख सकते हो गाइस कि हमारा जो भी प्रोफाइल था वो किस तरीके से दिख रहा है। तो अभी आप देख सकते हो कि मेरा नाम, लाइक्स और मेरा लेवल भी अभी जो मिट चुका है। तो अभी इसको जो आपको गैलरी में सेव कर लेना है, और फिर आपको क्या करना है कि वापस से अपने प्रोफाइल को जो है थोड़ा सा क्रॉप कर लेना है, और उसमें जो है नीचे वाला पार्ट जो है आपको जो है यहाँ से क्रॉप कर लेना है। अभी आपको सेम प्रोसेस वही करनी है, आपको ड्रॉ वाले ऑप्शन पर जाना है, और अपने जो भी डिस्क्रिप्शन टाइप होता है नीचे उसको जो है आपको यहाँ से इरेज कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है मेरा YT चैनल का नेम टेक्नो तरुण गेमिंग, उसको जो है आपको यहाँ से इरेज कर देना है। आपका जो भी बैकग्राउंड कलर है उसको जो है ब्लर कर देना है यहाँ से, मतलब कि आपका नेम पे जो है उसको जो है कर देना है। तो जिससे जो आपका यहाँ पर नाम जो है मिट जाएगा, और पूरी की पूरी स्पेस जो है यहाँ पर मिट जाएगी। और अभी आपको जो है यहाँ पर जो है स्पेस मिल चुकी है एनिमेशन ऐड करने के लिए। तो अभी गाइस जो इसको जो है आपको सेव कर लेना है, और बाद में क्या करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से गाइस जो मैंने इसको जो है सेव कर लिया है गैलरी में। अभी आपको क्या करना है कि आपका जो भी नाम था उसको कॉपी कर लेना है, नोट में जो है आपको सेव करके रखना है। बाद में जो आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी उसका नाम है अलाइट मोशन। तो गाइस अलाइट मोशन में ही ये सब कुछ होगा, इसलिए आपको अलाइट मोशन को डाउनलोड कर लेना है, और उसमें जो है 16x9 का जो 16x9 का जो एक ओपन कर लेना है। और बाद में जो आपको अपनी जो भी जो है प्रोफाइल जो आपने जो है करी थी पिक्सार्ट में उसको ले लेना है। और फिर यहाँ पे गाइस जो है अलाइट मोशन का इसमें पैक आता है, वो अगर आप पैक लेते हो तो ही आपका जो है अलाइट मोशन का जो है टैग है, मतलब कि लोगो है, वो हट जाएगा। तो अगर आप मैंने भी नहीं लिया है, आप लोग भी अगर ले रहे हो तो आप ठीक है, नहीं ले रहे हो तो फिर आपको क्या करना है कि अपनी प्रोफाइल को जो है कुछ इस तरीके से थोड़ा सा छोटा कर देना है, जिससे जो है आपको कम्प्लीटली एडिटिंग में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। अभी गाइस जो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो है सिंपली आपको 5 से 6 सेकंड का आपका प्रोफाइल का वीडियो रखना है, और फिर क्या करना है कि यहाँ पे एक जो है छोटा सा जो है आपका जो भी नेम आपने रखा था वो आपको यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देना है, और यहाँ पे उसकी साइज़ जो है गाइस थोड़ी सी बढ़ा देनी है। आप मेरे जो है प्रोफाइल में देख सकते हो अभी कितनी साइज़ दिख रही है उसमें, जैसे जैसे आप साइज़ बढ़ाते जाओगे वैसे भी इसका आपका नाम भी बढ़ता जाएगा यहाँ पे देख सकते हो गाइस। तो अभी इसको जो है 48 के आसपास रखना है, जिससे जो एकदम जो है फ्री फायर में नेम होता है उसी तरीके से हो जाएगा। और आपको इसकी जो है फॉन्ट जो है आपको यहाँ पे गाइस जो है रोबोटो ब्लैक करके होगा नीचे, उसको जो है आपको सिलेक्ट कर लेना है, और जिससे जो आपका जो पूरा फ्री फायर के तरीके से नेम देखने का लगेगा। तो यहाँ पे रोबोटो ब्लैक मैंने कर दिया है, और आपको फॉन्ट का कलर भी जो है गाइस ब्लैक कर लेना है यहाँ से। तो अभी कैसे जो मैंने यहाँ पे हमारा जो नाम तो तैयार कर लिया है, बट अभी उसमें जो हमें एनिमेशन ऐड करना है तो वो कैसे ऐड करें। तो गाइस अभी आपको क्या करना है कि आपका ये वाले नेम वाले पे ऐड करना है, फिर यहाँ पे ऐड इफेक्ट पे जाना है, और यहाँ पे जाने के बाद आपको जो है गाइस सर्च करना है। तो सर्च क्या करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं ड्राइंग प्रोग्रेस जो है नाम का जो है सर्च करना है, और यहाँ पे एंड पे आने के बाद आपको जो है पूरा जीरो कर देना है, जैसे मैं अभी आपको कर रहा हूँ। देखो गाइस बिल्कुल ही सेम करना है, स्टार्टिंग में एंड को जो है जीरो कर देना है, और फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पे एंड में जाना है आपके नेम पे, और वहाँ पे जाके एंड में जो है प्लस कर देना है 100। तो जिससे क्या होगा कि अभी मैं आपको एनिमेशन दिखा देता हूँ कि क्या होगा।
तो अभी मैं आपको चालू करके भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे वीडियो जैसे प्ले हो रहा है तो गाइस देख सकते हो कि मेरा नाम जो है कैसे लिख के आ रहा है। तो गाइस इस एनिमेशन से आप जो है बहुत ही ज्यादा अच्छा जो है वीडियो बना सकते हो। तो अभी कैसे हमारे लाइक पे भी वही काम करना है। लाइक में आपको क्या करना है कि गाइस की अपनी जो भी लाइक्स थी उसको यहाँ पे लिख देनी है, और यहाँ पे फॉन्ट को भी आपको जो है 40 पॉइंट्स रखना है अपने लाइक्स के जो है अपने मतलब कि साइज को। और उसमें भी रोबोटो रेगुलर था तो उसको भी आपको रोबोटो ब्लैक कर देना है फॉन्ट को, और फिर अपने ब्लैक कलर पे कर देना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे अभी मैं फॉन्ट को चूज़ कर रहा हूँ रोबोटो ब्लैक, और उसमें जो कलर शेयर कर देना है जो कि ब्लैक कलर। तो अभी मैंने गाइस जो है इसमें भी कर दिया। इसमें इफेक्ट ऐड कौन सा करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे गाइस जो है टेक्स्ट वाले ऑप्शन में आना है, और यहाँ पे काउंट अप डाउन वाला है उसको आपको ऐड कर देना है। और यहाँ पे गाइस क्या करना है कि एक मार्क लगा देना है, और फिर आपको जो है पूरा माइनस जाना है जीरो तक। जितनी आपको स्टार्ट लाइक्स कहाँ से स्टार्ट होगी तो जीरो से स्टार्ट होगी, इसलिए आपको जीरो पे जाना है। जैसे अभी मैं जा रहा हूँ वैसे करना है। अभी मैं जैसे जीरो पे आ चुका हूँ यहाँ पे लाइक्स पे, तो अभी यहाँ पे मैंने जीरो पे सेट कर दी। और फिर आपको वापस से जो है गाइस एंड पे यहाँ पे इफेक्ट में जाना है, फिर काउंटडाउन में जाना है, और फिर एंड में जाने के बाद आपको फिर से जो है ऐड करना है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मैं पूरा का पूरा एंड में ले लेता हूँ। और अभी जो है गाइस यहाँ पे वापस से इफेक्ट पे आना है, काउंट में आना है, और फिर वापस से प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ऐड को जो है आपकी जितनी भी लाइक्स थी उतना कर देना है। तो जैसे भी मैं आपको कर रहा हूँ गाइस वैसे आपको करना है, और इससे जो इफेक्ट आएगा बहुत ही ज़्यादा ऑसम इफेक्ट आने वाला है, और एनिमेशन भी बहुत ही ज़्यादा तगड़ा लगने वाला है गाइस। इसलिए आपको जो है पूरा पूरा एंड तक देखना, और जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करना है आपको गाइस। अभी देख सकते हो कि मैंने 2098 लाइक्स कर दिए, और जैसे आप एनिमेशन देख सकते हो गाइस कि किस तरीके से ये एनिमेशन लग चुका है। तो अभी गाइस हमें लेवल पे ऊपर भी काम करना है, तो लेवल में भी यही प्रोग्रेस हो गई जैसे हमने लाइक्स पे किए वैसे ही है। तो अभी 54 यहाँ पे मैंने लेवल है, तो अभी मैं 54 लिख देता हूँ। और फिर यहाँ पे जो है हमारे फॉन्ट वाले ऑप्शन पे आना है, और इसमें जो फॉन्ट चूज़ कर लेना है। तो जैसे हमने जो है वैसे लाइक्स में किया था वैसा ही करना है सेम। तो अभी जैसे मैं यहाँ पे हमारी फॉन्ट की साइंस जो है मैं 56 है, तो अभी मैं जो इसको मैं कितना कर देता हूँ तो 48 के आसपास रख देता हूँ। तो 48 एकदम मैक्सिमम है गाइस, अच्छी तरीके से जो यहाँ पे ब्लेंड हो जाएगी उसमें। तो अभी गाइस जो मैंने यहाँ पे ये 48 तो कर दिया है, ब्लैक कलर चूज़ कर लेना है, और आपको जो रोबोटो बोल्ड को चूज़ कर लेना है, और 54 आपका जो लेवल हो चुका है। तो अभी इसमें भी ऐड इफेक्ट करना है। ऐड इफेक्ट में जाने के बाद आपको जो है टेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाना है। टेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद काउंट अप डाउन को सिलेक्ट कर लेना है, फिर प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको जीरो पे ले जाना है आपका लेवल को। तो जैसे अभी मैंने गाइस जो है जीरो पे ले लिया है यहाँ पे। अभी गाइस आपको क्या करना है कि मैंने जीरो पे ले लिया, अभी आपको जो है पूरा पूरा जो है एंड में जाना है। एंड में जाने के बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे गाइस जो मैं एंड पे आ चुका हूँ, अभी आपको वापस से ऐड इफेक्ट में जाना है, और ऐड वाले ऑप्शन पे जो है आपको प्लस कर देना है, और फिर आपको सपोज जितना भी लेवल था उस पे जो है क्लिक करके कर देना है। जैसे अभी मेरा 54 लेवल है, तो मैं 54 पे आप पे रुक जाऊँगा, और यहाँ पे हमारा एनिमेशन ख़त्म। तो अभी आप गाइस देख सकते हो कि मेरा तीनों का तीनों चीज़ों जो है अभी हो चुकी है। मेरा नाम भी हो चुका है, लाइक्स भी हो चुकी है, और मेरा लेवल भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए गाइस अभी हमने जो ये सारे के सारे एनिमेशन तो ऐड कर दिए, अभी हमें क्या ऐड करना है तो इसको एक्सपोर्ट कर देना है। और हमने जो दूसरा जो एक्सपोर्ट किया था फाइल उसको जो हमें अभी उस पर प्रोग्रेस करना है। तो अभी गाइस मैंने जैसे यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लिया है वीडियो, और उसको सेव कर लेना है। और अभी हम चलते हैं दूसरे प्रोजेक्ट पे, तो वो गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी मैंने गाइस जो है जैसे कि आपको पता होगा कि मैंने दूसरा भी क्रॉप किया था जो कि हमारा नीचे वाला सेक्शन था। तो यहाँ पे गाइस इसको जो है क्या करना है कि थोड़ा सा क्रॉप कर लेना है, थोड़ा सा छोटा कर देना है, और फिर उसको क्या करना है इसमें एडिटिंग आपको कर देनी है। तो आपको जो भी लिखना है गाइस वो लिख सकते हो, और इसमें भी वही टेक्स्ट फॉर्मेट है। तो इसमें ऐड इफेक्ट करने बाद ऐड इफेक्ट कर देना है, और ऐड इफेक्ट में आपको पता होगा गाइस कि हमने कौन सा किया था, तो ड्राइंग प्रोग्रेस लिखा था, तो उसी को ऐड कर देना है यहाँ पे। और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस क्या करना है। तो अभी मैंने जैसे आपको दिखाया, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि YT चैनल नेम टेक्नोतरुण गेमिंग, तो इसी को मैं ऐड करने वाला हूँ यहाँ पे नीचे। तो इसी को मैंने ऐड कर दिया, और फिर इसको साइज़ को सिलेक्ट कर लेनी है। साइज़ को आपको सिलेक्ट करने के लिए जो है गाइस ऊपर वाले ऑप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे 48 यहाँ पे आपको जो भी आपको ठीक लगता है आपको वही सिलेक्ट कर देना है। जैसे अभी मैं यहाँ पे 24 अभी इतना है, तो अभी और बढ़ाता हूँ तो 28 हो चुका है, और 28 में जो है कंप्लीट हो चुका है गाइस, तो बढ़िया लग रहा है। तो अभी इसमें जो है साइज़ में जो रोबोटो बोल्ड कर देता हूँ, और कलर में जाके वाइट को सिलेक्ट कर लेना है। ब्लैक बैकग्राउंड है इसलिए आपको वाइट सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे जो है इफेक्ट में कौन सा ऐड इफेक्ट करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ऐड इफेक्ट में आपको गाइस ड्राइंग प्रोग्रेस को ऐड करना है, और ड्राइंग प्रोग्रेस में आपको क्या करना है कि सबसे पहले एंड पे जाना है, और उसको जो है ज़ीरो कर देना है। अभी आप देख सकते हो गाइस कि जीरो पे आ चुका हूँ मैं, और यहाँ पे जीरो कर दिया। अभी वापस आपको एंड में जाना है, और इसको भी जो है गाइस आपको 5 से 6 सेकंड की फाइल बनानी है, इसलिए आपको जो है 5 से 6 सेकंड तक लंबा खींच देना है इसको। जैसे अभी मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको करना है।
5 से 6 सेकंड तक के बीच में रखना है, और उसी तरह से तो आपका एनिमेशन भी 5 से 6 सेकंड का होगा। इसलिए फिर आपको सॉन्ग जो भी आपको ऐड करना है उसी हिसाब से आपको जो है अपने जो फाइल को जो रेडी करना है। तो यहाँ पे गाइस वापस से एंड पे आने के बाद आपको एंड पे जाना है, प्लस वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है और वापस से 100 पे आ जाना है। तो जैसे आप आओगे तो आपका एनिमेशन रेडी हो जाएगा, और अभी मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। प्ले करिए मैंने गाइस, और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा मेरा कंप्लीट रेडी हो चुका है और यहाँ पे एनिमेशन भी रेडी हो चुका है। अभी आपको क्या करना है गाइस कि इसको जो है एक्सपोर्ट कर लेना है, और एक्सपोर्ट करने के बाद क्या करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट कर लिया है और सेव भी कर लिया है। अभी आपको जाना है गाइस काइनमास्टर में। काइनमास्टर में आपको 16:9 का जो एक फाइल खोल लेना है, और उसमें जो दोनों के दोनों फाइल को जो एक्सपोर्ट कर लेना है। अभी आपको क्या करना है, जैसे मैंने ये वाला प्रोफाइल का जो खींच दिया, तो इसको जो है कम्प्लीटली आपको जो पूरा का पूरा क्रॉप करके खींच देना है, और 16:9 की फाइल को जो है कंप्रेस कर देना है। यहाँ पर गाइस जो मैंने 16:9 की फाइल को जो है कर दिया है। अभी आप देख सकते हो पूरा का पूरा एक्सपोर्ट भी कर दिया है। वापस आपको अलाइट मोशन पे आना है, और अलाइट मोशन पे आने के बाद जो ऊपर का जो अलाइट मोशन का लोगो हट जाएगा इसमें से, इसलिए आपको ये करना है। अभी आपको क्या करना है गाइस कि इसमें एंगल पे जाना है, और एंगल को एक्स एक्सिस को भी 17 रखना है, वाई एक्सिस को भी 17 रखना है, जिससे जो कंप्लीट आपका एनिमेशन रेडी हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो कि उन्होंने वाई भी 17 रखा है और एक्स को भी 17 रखा है, तो इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा एनिमेशन आएगा गाइस। आप बड़ा सकना चाहते हो तो बड़ा भी रख सकते हो। अभी इसको जो है 5 की साइज़ हो गई। अभी आपको दूसरा भी एनिमेशन ऐड करना है जो कि हमारा नीचे वाला सेक्शन का था, तो उसको भी सेम ऐसा ही प्रोग्रेस है, उसको भी 17x और 18y रख देना है, और आपका जो भी एनिमेशन है वो रेडी हो चुका है। और इसमें अभी आपको सिर्फ और सिर्फ सॉन्ग डालने का बाकी रह चुका है, तो अभी सॉन्ग डाल देना है आपको। अभी मैं आपको दिखा दूंगा इसकी इसका एनिमेशन अभी कैसा लग रहा है। और इसमें जो है पहले गाइस जो है स्टार्टिंग में आने के बाद 17:18 कर दे रहा है, और एंड में आने के बाद वापस से 0:0 कर देना है। दोनों में ऐसा करना है, दोनों फाइल में ऐसा करना है। जैसा अभी मैंने यहाँ पे किया और स्टार्ट किया तो कैसा दिख रहा है गाइस, तो आगे से जो है जैसा भी एनिमेशन है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। और इसमें जो है गाइस आपको बीट ऐड करने के लिए उसके मैं अलग लिए वीडियो बनाऊंगा, तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर से बताना कि उस पर वीडियो मैं जल्दी से जल्दी बनाऊंगा, तो इसलिए वेट थोड़ा सा करना है। बट इसमें जो है गाइस मैंने सब कुछ बता दिया आपको प्रोफाइल में एनिमेशन के लिए। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे किया 17 और 18 को जो है ऐड कर देना है, और आपका एनिमेशन जो है रेडी हो चुका है गाइस यहाँ पे। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे एंड में आने के बाद वापस से इफेक्ट में आना है, और यहाँ पे 0:0 कर देना है, और आपका एनिमेशन जो है गाइस रेडी हो चुका है। अभी मैं आपको प्ले करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे गाइस जो है हमारा एनिमेशन रेडी हो चुका है। अभी इसमें जो है थोड़ा सा जो एक इफेक्ट डालना है जो कि मैं आपको डाउनलोड करके दिखा के बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा गाइस ये रेडी हो चुका है। इसमें थोड़ा सा जो है अच्छा लुक आए इसलिए आपको क्या करना है गाइस कि यहाँ पे जो है एक जो है थोड़ी सी ब्लेंड करने के लिए आपको एक वीडियो मिल जाएगी, और आपको एक सॉन्ग ऐड कर देना है। जो भी आपको सॉन्ग पसंद आता है उसको जो है ऐड कर देना है। और अभी गाइस जो हमारा वीडियो पे सॉन्ग के साथ रेडी हो चुका है, और इस वाले इफेक्ट को मैं जो ब्लेंड कर रहा हूँ, तो लाइटन पे जाने के बाद आपको जो है कोई भी चीज़ ऐड करनी है तो उसको ऐड करने के बाद यहाँ पे ब्लर कर देना है, या तो फिर उसको जो है एडजस्ट कर देना है ब्लेंडिंग में जाके। और यहाँ पर लाइटन को जो उसको आपको जो ऊपर ऑप्शन मिल रहा है तो उससे ऐड कर सकते हो गाइस। तो चले गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है 3D एनिमेशन के बारे में, तो आप कर सकते हो अपने वीडियो के लिए भी, और इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने के लिए आप कर सकते हो। तो इंस्टाग्राम पे भी अभी तक जिन्होंने फॉलो नहीं किया मुझे जाके फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम पे आपका नाम को पता होगा गाइस, यही चैनल का जो भी नेम है वही इंस्टाग्राम पे, तो जाके फॉलो कर लेना। तो अभी मिलते हैं अगली वीडियो में, और जितना भी एनिमेशन था वो सब कुछ मैंने कर दिया। और यहाँ पे काइनमास्टर में आने के बाद आपको जो है ऊपर अलाइट मोशन को हटा देना है और एक्सपोर्ट कर लेना है, और एक्सपोर्ट करने के बाद आपको जो है आपको जो भी शॉर्ट में डालना है, या तो फिर अगर आपको वीडियो तो किस तरीके से डालना है तो आप 16:9 पे एक्सपोर्ट कीजिए, और अगर आपको शॉर्ट में डालना है तो उसको जो है 9:16 में ऊपर की तरफ से कीजिए। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।